अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो हमारा मेकअप ट्यूटोरियल है वो 14 अगस्त के ऊपर है, ठीक है। तो आज का जो हम आई शेडो करेंगे, अपना आईज़ जो बनाएंगे वो ग्रीन पे बनाएंगे, ठीक है। और तो वीडियो शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि वैसे ही बहुत लंबी वीडियो जाती है और मुझे थोड़ी ये जो वीडियो में आर्ट भी बनाना था थोड़ा सा चाहे अपने फेस पर, तो मैंने कहा इस वजह से वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। तो मैंने अपना जो फाउंडेशन है सबसे पहले मैंने सीरम लगा लिया था, उसके बाद आप लोग प्राइमर हो सके तो प्राइमर लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर आप कोई भी फाउंडेशन लगा लीजिएगा, मैंने मिस रोज़ का यूज़ करा था जो कि मैं ज़्यादातर करती हूँ, ठीक है ना। और ये सबसे पहले हम आईज़ पे जो लगाएंगे, हमने सबसे पहले एक कंसीलर लगा के उसके बाद हमने सबसे पहले सिल्वर आई शेडो सिल्वर लगाया है सबसे ऊपर, और फिर हम लेंगे ग्रीन, ठीक है। मैट में हम ग्रीन लेंगे, शिमर में नहीं, मैट में लिएगा, ठीक है। तो ये फाउंडेशन वगैरह लगा के आईब्रोज़ भी मैंने बना ली थी, फाउंडेशन भी मैंने लगा लिया था कि मैंने बोला चलो अब यहाँ से वीडियो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सब मैं काफ़ी वीडियो में बताती रहती हूँ। पूरी डिटेल जो है वो अगर नहीं पता तो आप लोग और वीडियोज़ में भी देख सकते हैं मेकअप की। तो इसमें मैंने कहा कि सिर्फ आईज़ बनाना बताऊंगी, क्योंकि जो हमारा आज का मेकअप ट्यूटोरियल है वो आईज़ ही उसके लिए इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि वो ग्रीन आईज़ बनानी थी, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमारा सिल्वर लगा, उसके बाद मैट में ग्रीन लग गया। अब हम कॉर्नर जो है वो हल्का सा लाइट ब्लैक लगा के उसको बिल्कुल ब्लाइंड कर देंगे, ताकि बिल्कुल अच्छा सा लुक आ जाए, थोड़ा और मैट सा लुक आ जाए, बिल्कुल ऊपर ऊपर सा ना लगे आई शेडो ग्रीन, वो भी बहुत ओवर हो जाता है। इस वजह से मैंने ग्रीन ब्लैक ज़रूर बताया मैं, इस वजह से आई शेडो आपको ज़्यादा मतलब बता देती हूँ इवेंट्स के लिहाज से, क्योंकि मेकअप ट्यूटोरियल एक जैसा हो ना बार बार तो वो मज़ा नहीं आता। इस वजह से मैं एक ही मैं ना आपको कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा बता दूँ, ताकि आप लोग इवेंट्स वगैरह में भी ये आई शेडो यूज़ कर सकें। मतलब इस तरह शादी वगैरह हो, कहीं आपके दावत वगैरह हो, तो इस तरह ये आई शेडो आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 14 अगस्त के लिए आप इस तरह का मेकअप करें, तो अगर इस तरह का करना है तो आप लोग इसमें लाइट भी कर सकते हैं। अगर ग्रीन लगाया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक लगाएं, उसके ऊपर आप लाइनर लगा के भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि 14 अगस्त में लोग इतना मेकअप नहीं करते। और ये जो है उसके बाद ब्लैक आई शेडो लगाने के बाद फिर मैंने जो ग्रीन था वो शिमर में लिया था, ठीक है, ग्रीन शिमर में लिया था, और वो हम इनर कॉर्नर में लगा लेंगे, ठीक है, हल्का सा, ताकि बिल्कुल सॉफ्ट सा एक लुक आ जाए। तो जिस तरह भी आपको ठीक लगता है आप कर लिया करें, ये मैं अच्छा बता देती हूँ, ज़्यादा बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को अगर शादी वगैरह भी हो, इवेंट्स वगैरह के लिए करना हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये सबसे फिर हम ये कॉर्नर पर इनर कॉर्नर पर हम ये लगा लेंगे सिल्वर आई शेडो, ठीक है। और ये जो शिमर है ना सिल्वर में, ये हम बिल्कुल हल्का सा टच करिएगा, ये नहीं कुछ ज़्यादा ही आप लोग कर दें, बिल्कुल हल्का सा टच करके ये आप लोग कॉर्नर्स पे लगा लिएगा, बिल्कुल टच करके हल्का हल्का सा, ताकि बिल्कुल एक शाइन सी आ जाए, बिल्कुल चमक दिखे ना, ठीक है। तो बस ये था, बहुत प्यारी आइस लग रही थी सच में, इतना वीडियो में इतना शो नहीं होता सच में जितना सामने से बहुत प्यारा आई शेडो लग रहा होता है। और बस कैमरा का थोड़ा मसला होता है कि अभी मोबाइल मैंने चेंज नहीं किया है, इंशाल्लाह मोबाइल भी हो सका तो इंशाल्लाह, ने चाहा तो मोबाइल चेंज करूँगी मैं, तो वो फिर वीडियोस बनाने में यूट्यूब की बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अभी मुझे इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि मोबाइल का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं है। तो ये अंदर जो है ये हम सिर्फ वाइट कलर की पेंसिल लगा लेंगे, ठीक है। और नीचे भी जो मैंने आई शेडो लगाया है ना वो ग्रीन में लगाया है, ठीक है, वो भी आप लोग शिमर ग्रीन में लगाया है। और अब ये हम लिपस्टिक लगाते हैं। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था, अगर डार्क आपकी लिपस्टिक हो रही है उसके पास आपके ऊपर लाइट लगाने के लिए नहीं है,
तो आप लोग ये हल्का सा जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है उसको हल्का सा पाउडर लेकर अपने लिप पे कर लिएगा। इससे होता क्या है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं लिपस्टिक जो है आपकी फिक्स हो जाती है और बहुत ज़्यादा लाइट सा एक शेड आ जाता है होठों पर। कोई लिपस्टिक लगाने की इसके ऊपर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये तो मैं अपने साथों में करती हूँ कि मैं अगर डार्क लगाती हूँ तो मैं उसके ऊपर हल्का सा पाउडर ज़रूर लगा लेती हूँ ताकि वो फिक्स हो जाए और मैट हो जाए। मैं बोला ये कोई इस्तेमाल करने वाले मेरा जाएगा खैर अच्छा बना है नमस्ते भी वेरी गुड आप काम के बंदे काम का मूड तो ज़्यादा वो दिखना पड़ा।
कितना प्यारा लग रहा है यार। मतलब 14 अगस्त वाले दिन कुछ आर्ट नहीं बना हुआ था तो 14 अगस्त का मज़ा नहीं आता है ना। और ये कोई इतना अजीब सा भी नहीं है कि हम कोई फ्लैग वगैरह बना रहे हैं या बहुत ज़्यादा पूरा आधा चेहरा अपना ग्रीन वाइट कर रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छा सा है, बिल्कुल नॉर्मल है। और इतना कोई ये भी नहीं कि बाहर जाने में कितनी शर्म आएगी। ठीक है, अच्छा है। अभी पता है मैंने ये मेकअप के बाद पलके भी नहीं लगाई हैं, सिर्फ मस्कारा लगाया। वरना आई लैशेस लगाती ना तो आई शेड और बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि वीडियो के लिए ना आई लैशेस लगाना बहुत ज़रूरी होती हैं। खैर मैं नहीं लगा रही, मैंने बोला चलो बस ठीक है, मेरा मुंह कितना मोटा लग रहा है। तो खैर ऐसे भी अच्छा लग रहा है आई लैशेस के बिना। मैं लेंस भी नहीं लगाती वरना तो और ज़्यादा अच्छा लगे। सही बनाएगा ग्रीन से, वो फैलेगा ना, सही नहीं होगा। तो हमारी वीडियो अब कंप्लीट हो चुकी है, मेकअप भी हो गया और ये स्टार्स भी बन गए। और इसमें तो मेरे हस्बैंड ने भी मदद कर दी, बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया। मुझे इतना था नहीं कि ये बना पाएंगे, पर इन्होंने बोला मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा इसमें, तो मैंने बोला ओके अगर आपको बनाना है तो बना दिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा। पता है मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं था रात में, आपको पता है हम लोग शॉपिंग भी गए तो इतनी कोई नहीं की क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। तो अभी देखें मैं पूरी रात जागी, मैंने कहा नहीं यार 14 अगस्त आ जाएगी, मुझे वीडियो तो बनानी है। तो मैं पूरी रात जाके मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो बनाने में ही कम से कम 2-3 घंटे लग ही जाते हैं, क्योंकि बहुत ये बहुत आसान लगता है मगर स्टॉप कर करके बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 10 काम बीच में आ जाते हैं और फिर एडिट करने में तो मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, कम से कम 2 घंटे तो मुझे लग ही जाते हैं। तो बस इसी में पूरी रात निकल गई, मैंने बोला कि वीडियो तो अपलोड करके ही रहूँगी कुछ भी हो जाए। और ये दुपट्टा बड़ा मुश्किल से सेट हुआ था कि क्या बताऊँ। वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दिएगा, ठीक है।